जो है मुझे भी डरा दिया खुद भी इसने ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बड़े बेटा? ठीक हो? मैं देखा कर ये ना लो सत, मैं भी ठीक हूं। तो मैं फजर दी नमाज अदा कर ली है ते जड़ बने खो तो ना जल्दी नाश्ते बना ला, बच्चे स्कूल जावना है ते इस वक्त मैं आटा काट के आई, बार-बार के आटा गुननी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज नमाज फजर जो है वो मैंने अदा कर लिए और बेगम ने जो है वो भी अदा कर लिए और सुबह का नाश्ते की तैयारी कर रही है और मौसम जो है मौसम सर्दियों की पहली बारिश जो है वो आने वाली है और यहाँ पर मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो चुका है और लगता है कहीं बारिश भी आ रही है और बादल जो है वो काफ़ी गहरे यहाँ पर आ चुके हैं और उम्मीद है बारिश भी शुरू हो जाएगी। और बारिश शुरू होने से पहले मैं आपको बताऊं भी हमारा घर कच्चा है, बिल्कुल ही कच्चा है और बारिश का पानी साइडों पे निकल दे कि कोई जगह नहीं है साइडों पे, हालांकि साइडों पे सब यहाँ पे खेत वगैरह। मैं बल्कि आपको यहाँ से दिखाऊं, ये साइडों पे ये देखें, ये बाहर जो है चारों साइडों पर जो है खेत वगैरह हैं लेकिन हमारा घर जो है वो काफ़ी गहरा है और यहाँ से पानी बाहर बिल्कुल नहीं निकलता। पानी जो है यहाँ पे सब इकट्ठा हो जाता है, वो इस ये हमने एक छोटा सा मतलब वो बनाया हुआ है खड्डा वगैरह, पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, हम यहाँ से बाल्टियों से भर भर के जो है वो बाहर निकालते हैं। जैसे ये अभी मेरा शहज़ादा जो है वो सुबह सुबह लगा हुआ जी पानी निकालने में, तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है लेकिन अल्लाह पाक जो भी करता है वो बेहतर करता है। तो हम लोगों ने जो है अब यहाँ पे तो बारिश अगर आ गई तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो सकता ना बने, नाश्ते के लिए हम लोगों ने इस कमरे में इंतज़ाम करना है और वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। मैं सोच रहा हूँ भाई कमरा खाली पड़ा हुआ है तो इस कोने पे दो चार ईंटें वगैरह रख के, तो यहाँ पर आर्जी जो है पिछली सर्दियाँ जो हमने गुजारी थी वो इसी कमरे में गुजारी थी, ये धुआँ आप देख रहे होंगे कमरा धुआँ धुआँ है सारा, तो यहाँ पे चूल्हे बनाए हुए थे तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई यहीं पे कोई ईंटें वगैरह रख के चूल्हे का इंतज़ाम कर देते ताकि बारिश आए तो हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बदल डरा दिता है ते अंदर सारा इंतजाम से अंदर कीता है ता और चार पाँच थले रख के तो उत्ते चार पाँच दूसरी रखी जे मखे बच्चे नु बेगम ने जो है ना एक मिनट के अंदर ये सिस्टम ही चेंज कर दिया लेकिन
इतनी हम लोगों ने मेहनत की और हम लोगों ने सोचा भाई दूसरे कमरे में जो है वो जो आपको मैंने दिखाया है भाई वहाँ पे हम लोग इंतज़ाम करते हैं, चूल्हे वगैरह जो है वो अंदर लगाते हैं, अंदर नाश्ते का इंतज़ाम अंदर करेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ भाई, खतरे की घंटी जो है वो टल गई। मौसम अचानक चेंज हो गया, बारिश हुई लेकिन इतनी नहीं हुई, बस हल्की फुल्की बारिश हुई। जिस तरीके से बादल आए हुए थे, बादल जो है आगे चले गए और धूप अच्छी खासी निकल गई। और यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता भी बना लिया है, बल्कि नाश्ता कर भी लिया है। हाँ जी, कर भी लिया और बच्चों को स्कूल भी मैंने भेज दिया। बच्चों को स्कूल भी भेज दिया। हालांकि इरादा था भाई बच्चों की छुट्टी करवाते हैं, क्योंकि बारिश है, साइडों पे इतनी ज़्यादा बारिश आई है, लाहौर में आई है, यहाँ पे हमारे इलाके साथ वाले इलाके में सुना है बहुत ज़्यादा बारिश आई है। लेकिन यहाँ पर जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, जिस तरीके से वहाँ पर बारिश आई है लोगों के घरों में पानी भर गया। और मैंने आपको बताया था मेरे सेहन में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ पे आपको पता था इन लोगों का पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अल्लाह पाक ने बारिश इतनी दी भी नहीं हमें। हाँ, वो इस तरह है ना, यहाँ पे एक तो पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था और यहाँ पे हम लोग बाल्टियों से जो है निकाल के बाहर है मतलब डालते थे ना, तो मतलब यहाँ पे जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं उस हिसाब से अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो मैं समझता हूँ भाई यहाँ से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमारी छतें जो हैं वो माशाल्लाह किसी काम की नहीं है। ये देखें, अभी काफ़ी दोस्त हमारे बहन भाई कमेंट्स करेंगे यार आप लोग लिपाई कर लो, लिपाई करने को मैं कर लूँ, ये मैंने इस साइड पर की भी थी, लेकिन वो यहाँ पर जो है मिट्टी जो है वो नहीं मिलती, मिट्टी यहाँ से काफ़ी दूर है। जो एक ट्राली है वो 5,000 की आती है, उस एक ट्राली में 3 बैलगाड़ियाँ की मतलब वो होती है मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होती, तो वो मिट्टी बहुत महंगी पड़ती है। तो इस वजह से जो है मालिक मकान को हम लोगों ने बोला भी था भाई मट्टी सटवा कर दे दे, तो मट्टी एक हमारी बहन कह रही थी भाई इसकी उर्दू जो है ना वो इसकी पंजाबी बहुत अच्छी है और मेरी उर्दू बहुत बुरी है, तो वाकई इसकी ना मैं भी उर्दू बोलती हूँ, बहन भाई को पसंद नहीं है, जो पसंद है तो नहीं वाकई पसंद है। तो बात करने का मकसद ये है भाई, ये माले मकान जो है ना जिनका ये प्लाट है उन्हें हम लोगों ने बोला था भाई यार आप मिट्टी हमें एक ट्राली जो है वो डलवा के दें, लिपाई हम लोग खुद कर लेंगे। ये भी मैंने खुद की थी हाथों की मदद से, तो मैंने कहा चलो वो भी कर लेंगे, लेकिन ये भी अभी दोबारा इसकी भी लिपाई होने वाली है। ये देखें ये ऊपर से सारी जो है ना ये सारी मतलब वो छतें जो हैं बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो जिस तरीके की बारिशें हो रही हैं अगर उसी तरीके की बारिशें रहीं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों का हाल बुरा हो जाएगा, बुरा को पानी में ठिलेंगे। हाँ ठिलेंगे पानी में, ये मछली की तरह ठिलेगी। तो बहरहाल ये सिर्फ आपको दिखाना था कि आज जो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पे कि बारिश आई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई हमारे इलाके में। बस ये है भाई, सर्दी शुरू हो चुकी है, बच्चों को जो है ना बाहर चार पाई रख के दी है धूप पे भाई खेलो सुकून से, तो पता नहीं फिर आगे कितनी ज़्यादा सर्दी आने वाली है ना, तो बेगम हंस रही है भाई ज़्यादा सर्दी आने वाली है। तो सर्दी बारिश उस इलाके में हुई और बेगम ने जो है मुझे भी डरा दिया, खुद भी इसने ना सामान उठा के लकड़ी उठा के कमरे में रखने शुरू कर दी, बारिश आई बारिश आई। तो हाँ इसने पहले ही मतलब सुबह सुबह उठ के ही वो कर लिया। तो बहरहाल उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दे, क्योंकि आज हम मैं जा रहा हूँ किसी काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा छोटा सा एक ब्लॉग बना के अपने बहन भाई से शेयर कर दूँ। और सरप्राइज करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।